हाय हेलो, कैसे हैं? मजे में? सब कुछ बढ़िया, आनंदम भवंती। हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम लोग 11th क्वेश्चन पे आएंगे। बिना लाई लपटाई, बिना कुछ बोले, हाय होले, सब कुछ चलेगा। सब्सक्राइब कर देना, अंगूठा दिखा देना। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n-n² एस एन इज इक्वल टू 4n-n² हमें गिवेन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? अरे वाह। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? अरे वाह। और ऐसे ही थर्ड, टेंथ और nth टर्म निकालना। सबसे पहले S1 इज इक्वल टू 4 × 1-1² दिस इज इक्वल टू 4-1 दिस इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 क्योंकि S1 जो होगा एक ही टर्म का सम भी वही होगा। अब हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो S2 इज इक्वल टू 4 × 2-2² दिस इज इक्वल टू 4 × 8-4 दैट मीन्स 4। तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4-3 दिट इज इक्वल टू 1। अब आपको पूछ रहा है डी निकालना होगा तो क्या होगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। सेकेंड माइनस सेकेंड टर्म तो हमें 1 मिला है ना, तो 1-3-2 मिल गया हमें कॉमन डिफरेंस। अब देखिए जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो जितना भी टर्म पूछे पूछ ले भाई। और क्वेश्चन में दिख रहा है थर्ड पूछ रहा है, टेन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, तो A3 पूछ रहा है हमसे, A+2D, A हमारे पास है 3+2 × -2 दिस इज इक्वल टू 3-4 दैट मीन्स -1। A10 पूछ रहा है, A+9D दिस इज इक्वल टू 3+9 × -2 और इट बिकम्स 3-9 = 18 यानी कि -15। फिर ए एन पूछ रहा है A+ND और 3+N हो गया हमारे पास N, -3 हो जाएगा 2, -2 है तो 2N, N-1D होगा ना ये, फिर तो ये N-1 × -2 दिस इज इक्वल टू 3-, ये माइनस है पहले इसको करें तो -2N − +2 दिस इज इक्वल टू 3-2N − 2 और 2N+1 ये nth टर्म हो गया। 3, 2+ हो जाएगा 5, 5, 5 ये -, मिलके दोनों निगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग प्रस्थान करें। 12 के बाद क्वेश्चन कह रहे हैं हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजेबल बाय 6। तो पहला इंटीजर क्या होगा? ए तो अपना 6 होगा, ए इज इक्वल टू 6 और 6 के ही मल्टीपल, इसलिए कॉमन CD भी हमारा 6 और 40N हमारा 40। अब हमें SN निकालना है, सम निकालने को कह रहे हैं तो सम इज इक्वल टू क्या होगा आप सब जानते हो, SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है? ए भी पूछ रहा है पहले, A40 क्या हो जाएगा? A+39D, 6+3, 9 × 6, 240। अब
ये 240 लिख दिया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 39 प्लस 100 हो जाएगा 40, 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240, एस एन इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 39 डी। ये तो 20 इंटू ये हमारे पास 6 2 12 है, 1 6 उसको दे दें, अच्छा डी के जगह 6 लिखो ना, अगर 6 कॉमन ले तो 41 इंटू 6 हो जाएगा, 41 इंटू 6, 6 वन जा 6, 6 फोर जा 24, 2 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक जीरो मुफ्त का दे देंगे, अपने आप इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 6 2 जा 12, एक जीरो मुफ्त का 1, 8 एंड 1 9, 2 2 जा 4। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो ये भी वैसा ही सम ही निकालना, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू cd लिखो, cd इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 15, डायरेक्ट s 15, 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 8, अगर हम कॉमन निकाल दें तो 2 प्लस 14 इट बिकम्स 15 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 16, कट कर दीजिए 4, 15 इंटू 64, अब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा, जो भी मिल जाए ये आंसर। ठीक है, 13 एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन हमें 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, किसके बीच में पहला ऑड नंबर, ए अपना क्या होगा, ऑड एक ऑड है एक इवन है, तो 25 एन हमारा 25 हो जाएगा, ए एन जो है ना वो 49 होगा, 49 तक 50 तक हमें जाना है, तो 50 के पहला ऑड नंबर आपका 49 हो गया, 1 हो जाएगा अपना आपका ए, डी हो जाएगा बेटा क्योंकि ऑड है तो एक छोड़कर एक यानी कि 2, और ए एन हो जाएगा आपका यानी कि एल जिसको लिखते हैं हम लोग 49 लास्ट का। अब इसका निकालना एन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल हमारे पास 50 है, एक इवन एक ऑड, तो हमारे पास वो कितना बन जाएगा, एन इज इक्वल टू लिखी लो ए एन हमारे पास है 49, तो ये निकाली लो 25 आएगा इससे आंसर, ये बन जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49, दिस इंप्लाइज 1 प्लस 2 एन माइनस 2 इज इक्वल टू 49, दिस इंप्लाइज 2n minus 1 is equal to 49, this implies 2n is equal to 49 plus 1, this implies n is equal to 49, 50 upon 2 यानी 25। अब s 25 निकालना है हमारे पास, तो 25 upon 2 into 2 into 1 plus 24 into 2, this is equal to 25 upon 2 into 2 plus 48, 25 upon 2 into 50, कट मारिए 25,
दिस इज इक्वल टू 625 इज योर आंसर। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया। इसके आगे 15 क्वेश्चन से हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आपको लाइक सब्सक्राइब बेल का घंटा दबा दीजिए, सारे क्वेश्चन आएगा, खुद भी कीजिए दूसरों को भी करवाइए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।